हिप्नोसिस, सम्मोहन, हिप्नोटिज्म क्या है, कैसे होता है, आप कैसे कर सकते हैं, मैं कैसे करता हूं, इसके बारे में क्या डिटेल्स हैं, क्या डिटेल्स नहीं हैं, तो हम उसी श्रृंखला को या उसी चीज को हम आगे बढ़ाते हैं। और कल जैसे मैंने इंडिकेट किया था, आज हम बात करेंगे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड की, माइंड की बात करेंगे, माइंड क्या होता है, कॉन्शियस माइंड क्या होता है, सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है, और इसका हिप्नोटिज्म में रोल क्या है, और हिप्नोटिज्म के अलावा भी जो है वो लाइफ में कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड का रोल क्या होता है। तो दोस्तों आज हम बात शुरू करते हैं सबसे पहले हिप्नोटिज्म के कॉन्टेक्स्ट में कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड का रोल क्या होता है, और हम डिस्कस करेंगे कि जो प्राइवेट लाइफ है, मतलब जो रियल लाइफ है, उसमें हम कैसे एनकाउंटर करते हैं कॉन्शियस माइंड या सबकॉन्शियस माइंड को। कॉन्शियस माइंड के कई एग्जांपल हैं। कॉन्शियस माइंड का एक एग्जांपल ये है कि जैसे अगर मैं तैयार हो रहा हूं या मैं अगर कुछ परफॉर्मेंस दे रहा हूं, मान लीजिए मैं स्टेज के ऊपर हूं, मुझे कोई देख रहा है, तो कहते हैं ना मैं कॉन्शियस हो गया था या ये कॉन्शियस हो जाता है। आप फिर आपको ये लगता है कि मैं अच्छा दिख रहा हूं कि नहीं दिख रहा। मान लीजिए आपकी शादी है या आपको डिनर के लिए बाहर जाना है या आपको डेट पे जाना है, तो आप कॉन्शियस हो जाएंगे कि मैं ठीक दिख भी रहा हूं कि नहीं दिख रहा, कॉन्शियस माइंड हो गया ना। सबकॉन्शियस माइंड वो होता है जिसमें आप कॉन्फिडेंट होते हैं कि नहीं, मुझे कॉन्फिडेंस है कि मैं कॉन्फिडेंट होंगे, मैं अच्छा लगता ही हूँ, अरे मैं तो अच्छा लगता ही हूँ। जैसे मान लीजिए कि कोई एक बहुत बड़ा सिंगर है, सुपरस्टार है, तो उसको मालूम है, उसको कॉन्फिडेंस जो है वो है अपने अंदर, तो वो कभी भी स्टेज पे परफॉर्म करते हुए कॉन्शियस नहीं होगा, है ना। तो एक हम एक रियल लाइफ का एक और एग्जांपल लेते हैं कि जैसे अब आप एक गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं टूटी फूटी सड़क के ऊपर और आप उस रूट के ऊपर पहली बार जा रहे हैं, तो आप बहुत कॉन्शियस होंगे कि मेरी जो कार है वो कहीं गड्ढे में ना गिर जाए या कहीं ज्यादा जोर के कार को झटका ना लग जाए, तो आप कॉन्शियस माइंड से वो चीज चलाएंगे। सबकॉन्शियस माइंड जो है वो अगर आप जैसे एक ही रूट के ऊपर रोज जाते हैं अपने ऑफिस में, तो सबकॉन्शियस माइंड आपको ले जाएगा, वो खुद ही ड्राइव कर लेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैं कब पहुंच गया कब नहीं पहुंच गया। कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड का एक और एग्जांपल है कि जैसे अगर आप कोई नई सब्जी बना रहे हैं या कोई नई चीज कर रहे हैं, यूट्यूब का वीडियो देख के कुछ कर रहे हैं, तो आप बड़ी कॉन्शियसली कितना पानी डालना है, कितना पानी नहीं डालना है, कैसे बनाना है, कैसे नहीं बनाना है। लेकिन अगर आप रोज जैसे रोज के दाल चावल जो हाउसवाइफ जो हैं या लेडीज या कोई भी जो है वो खाना बनाता है, इसमें जेंडर बेस्ड नहीं है, लेकिन कोई भी अगर खाना रोज बनाता है तो वो आंख बंद करके खाना बना सकता है। थैंक यू वेरी मच बॉबी जी, थैंक्स फॉर योर कमेंट्स। तो ये कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड हो गया। तो हिप्नोसिस के लिहाज में या हिप्नोसिस के कॉन्टेक्स्ट में कॉन्शियस माइंड वो होता है जिसपे हैबिट्स, एक मसल मेमोरी डेवलप होती है। मैं कोई भी काम करता हूं, मान लीजिए मैं सिगरेट पीता हूं, तो सिगरेट को ऐसे पकड़ना है, ऐसे पीना है। तो ये जो हैबिट्स हैं, ये जो फिजिकल हैबिट्स हैं, ये कॉन्शियस माइंड है, ये कॉन्शियस माइंड करता है। सबकॉन्शियस माइंड क्या है कि सबकॉन्शियस माइंड ब्रेन का वो एरिया है जिसमें सारी की सारी मेमोरीज जो हैं वो कलेक्ट हो जाती हैं, सारी की सारी मेमोरीज जो हैं वो एक जगह पे इकट्ठी हो जाती हैं। जो बेस्ट एग्जांपल है वो ये है कि मान लीजिए किसी के पास G2 लाइसेंस है या किसी के पास, वो सुबह से लेकर शाम तक रोज गाड़ी चलाता है और कोई दिक्कत नहीं होती है। वही इंसान जब G लाइसेंस के लिए अपीयर करने के लिए जाता है तो उससे गलतियां होती हैं और अजीब अजीब सी गलतियां होती हैं। ये समझ में ही नहीं आता कि ये गलतियां, मैं तो रोज गाड़ी चलाता हूं, ये तो गलतियां मेरे से होती नहीं, क्योंकि रोज जब आप गाड़ी चलाते हैं तो आपका सबकॉन्शियस लेवल गाड़ी चला रहा होता है, जिसको गाड़ी चलाने की प्रैक्टिस है। आज आपके साथ में, आपकी ड्राइविंग सीट के साथ में एक ऑफिसर बैठा है, उस ऑफिसर के बैठने की वजह से आप कॉन्शियस हैं। अब उस कॉन्शियस होने की वजह से
कॉन्शियस माइंड को गाड़ी चलानी नहीं आती है, गाड़ी चलाने का सारा तजुर्बा तो सब कॉन्शियस माइंड में है। कॉन्शियस माइंड जो है वो गलतियां करता है, क्योंकि जो तजुर्बा है, जो एक्सपीरियंस है, वो सब कॉन्शियस माइंड के पास है, वो कॉन्शियस माइंड के पास नहीं है, है ना। तो ये हो गए कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के एग्जाम्पल। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं सिगरेट पीने का। जैसे मैंने बताया ये मसल मेमोरी है, ये सब करना, सिगरेट जलाना, माचिस जलाना, ये सब कॉन्शियस माइंड की मेमोरीज हैं। सबकॉन्शियस माइंड में जो है वो एक जिसको हम आदत कहते हैं, जिसको हम नशा कहते हैं, वो सबकॉन्शियस माइंड में जो है वो छा गया। जैसे मान लीजिए कि मैं ये मानता हूं कि खाना खाने के बाद मुझे सिगरेट पीने की जरूरत होती है, तो या मुझे खाना खाने के बाद मुझे सिगरेट पीने की तलब लगती है, ये कॉन्शियस माइंड नहीं है, ये सबकॉन्शियस माइंड है। तो ये सबकॉन्शियस माइंड का बिलीफ है कि खाना खाने के बाद मुझे तलब लगती है, या जब मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा होता हूं तब मुझे सिगरेट की जरूरत महसूस होती है, ये एक सबकॉन्शियस माइंड का विश्वास है। दोस्तों कॉन्शियस माइंड को चेंज करना बड़ा ही आसान काम है, बहुत ही ज्यादा आसान काम है। सबकॉन्शियस माइंड को अटेंड करना जो है वो बड़ा ही मुश्किल काम है। सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचा कैसे जाए? सबकॉन्शियस माइंड की चौकीदारी करता है कॉन्शियस माइंड। तो अगर आप किसी के सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचना चाहते हैं तब आपको उसके कॉन्शियस माइंड को जंप करना पड़ेगा, एक किनारे करना पड़ेगा, तब आप उसके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच सकते हैं। एक रियल लाइफ का मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कि एक बच्चा है, वो खेल रहा है, तो उसकी माँ उसको बुलाती है कि बेटा इधर आ, पापा आने वाले होंगे, और पापा को नमस्ते करके जाना, और पापा को जो है वो पांव छूना, बेटा कहना मानते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो बच्चे का क्या रिस्पॉन्स होगा? बच्चे का रिस्पॉन्स उसके कॉन्शियस माइंड से होगा, मम्मी जाने दो, आपने मेरे को ऐसे बुलाया, मैं तो अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था, आप हमेशा अजीब अजीब सी बातें करते हो, मुझे नहीं पता, मैं जा रहा हूं। कॉन्शियस माइंड हमेशा सजेशंस को ब्लॉक करता है। कॉन्शियस माइंड जो है सजेशंस को नहीं मानता, रिएक्ट करता है, ब्लॉक करता है। इसीलिए जब आप देखेंगे, अगर आप अपने बच्चों को कुछ कहते हैं, बीवी जो है वो अपने हस्बैंड को कुछ कहती है, या हस्बैंड जो है वो अपनी बीवी को कुछ कहता है, तो एक ब्लॉकेज मिलती है। आप कुछ भी कहें उसका एक रिएक्शन मिलेगा, आप सजेशन देंगे, दूसरा इंसान जो है वो उसको ब्लॉक कर देगा। यही बच्चा जिसकी हमने एग्जांपल दिया, इसी बच्चे को रात को सोते हुए 10, 10:30, 11 बजे जब बच्चा सो रहा है, आधा जाग रहा है, आधा सो रहा है, नींद में है, माँ अपने गोद में सर रख के सुलाती है और उसको कहती है बेटा पापा जो हैं वो थके हारे आते हैं, तुमको मिलना चाहिए, पापा का कहना मानना चाहिए, देखो पापा हमारे लिए इतनी मेहनत करते हैं, पापा ऐसे करते हैं, पापा वैसे करते हैं। अब बच्चा जो है वो आधी नींद में है, बच्चे के पास इतनी एनर्जी नहीं है कि वो बहस कर सके या सजेशन को ब्लॉक कर सके। कॉन्शियस माइंड सोने की तैयारी कर रहा है, तो क्या होगा कि जो भी आप सजेशन दे रहे हैं वो जंप करके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाएगी और सबकॉन्शियस माइंड उसको एक्सेप्ट कर लेगा, तो अगर आपको कोई बात मनवानी है किसी से तो आप उस टाइम बात करें जब इंसान सुनने के मूड में हो, सबकॉन्शियस माइंड में सुनने के मूड में हो। जैसे मान लीजिए कि मैं या कोई आदमी अपने घर में बैठा है और उसका वो मान लीजिए क्रिकेट देख रहा है, बड़ा कोई जबरदस्त क्रिकेट मैच चल रहा है, तो उसकी वाइफ ने उसको कहा कि मैं जरा बाहर होकर आती हूँ, आधे घंटे में होकर आती हूँ। अब पहले सीन के अंदर हम ये मानते हैं कि वो क्रिकेट मैच नहीं चल रहा, तो आदमी अपनी वाइफ से पूछेगा, वाइफ का मतलब वाइफ या आदमी से पूछे, आदमी वाइफ से पूछे, जेंडर बेस्ड नहीं है बात, तो कहाँ जा रही हो, कब तक जा रही हो, क्यों जा रही हो, जाने की क्या जरूरत पड़ गई, छोड़ो कल चले जाना, रोज ही चली जाती हो, ये हो गया वो हो गया,
रहने दो यार, चलो एक काम करते हैं, कल दोनों इकट्ठे चलेंगे, आज रहने दो, तुम ग्रोसरी करने जा रही हो ना, सब्जी लेने जा रही हो, मैं भी चलूंगा, अच्छा शाम को चलेंगे या कल दोनों इकट्ठे चलेंगे। राजी नहीं होगा कॉन्शियस माइंड, अड़ंगे अड़ाएगा, उस चीज को मानने को तैयार नहीं होगा। अब एक दूसरा सिनेरियो हम लेते हैं, उस सिनेरियो में क्या हो रहा है कि ये जो आदमी है वो क्रिकेट मैच देख रहा है, या जो औरत है वो अपना टीवी सीरियल देख रही है, कहीं और जगह पे लॉस्ट है ना, तो उनका जो कॉन्शियस माइंड है वो कहीं और किसी और जगह के ऊपर बिजी है। तो दूसरे पार्टनर ने पूछा या दूसरे पार्टनर ने कहा कि हाँ मैं अभी आधे घंटे में आती हूँ या आता हूं, मैं कहीं जा रहा हूं या ये, तो इसने क्या किया, इसने सिर हिला दिया, अच्छा ठीक है, क्योंकि कॉन्शियस माइंड जो है वो बहस नहीं करना चाहता, कॉन्शियस माइंड जो है वो उस चक्कर में नहीं पड़ना चाहता, कॉन्शियस माइंड बिजी है किसी चीज को देखने के लिए। हिप्नोसिस में हम क्या करते हैं, सेल्फ हिप्नोसिस में हम क्या करते हैं, या किसी को हिप्नोटाइज करते हुए हम क्या करते हैं कि हम उसका जो चेतन मन है, जो कॉन्शियस माइंड है, उसको हम सुला देते हैं या उसको हम रिलैक्स करवा देते हैं। रिलैक्स करने की क्या टेक्निक्स होती हैं या किसी को कैसे रिलैक्स करवाया जा सकता है, ये एक दूसरा सवाल है, वो हम आगे जाकर कभी किसी प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए समझना ये है कि किसी की भी आदत बदलने के लिए या किसी का स्वभाव बदलने के लिए, किसी किस्म का फियर या फोबिया या कुछ भी करने के लिए, जो कॉन्शियस माइंड है उसको हमने सुला देना है या उसको हमने एट पीस कर देना है, रिलैक्स कर देना है, ताकि हम सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच सकें। यहां ये भी एक बार और समझने की जरूरत है कि सबकॉन्शियस माइंड जो है, जो अचेतन जो मन है, वो टोटल एक्यूमुलेशन है हमारे एक्सपीरियंसेस की, हमारे सीखने की, हमारी हमारी जो लर्निंग है, हमारे जो एक्सपीरियंसेस हैं, सो मच सो के सबकॉन्शियस माइंड में, अचेतन मन में, जो डीएनए के थ्रू हमारे को जो पिछले जन्म की या कोई पुरानी जो यादें हैं वो भी आती है, वो भी सबकॉन्शियस माइंड में ही आती हैं। इसीलिए कई लोगों को आपने देखा होगा कि ऐसी ऐसी लैंग्वेज आती है, अगर आप गूगल करें, ऐसी लैंग्वेज आती है जो उन्होंने कभी सीखी नहीं है, लोग ऐसी ऐसी बातें करते हैं जो उन्होंने कभी कहीं से सीखी नहीं है या कहीं पढ़ी नहीं है। मेरे साथ ऐसा कितनी बार हुआ है कि मैंने खुद वो चीजें बोलता हूं या मैं वैसी बातें बोलता हूं जो ना मैंने कभी पढ़ी है, ना मैंने कभी सुनी है, ना मुझे किसी ने बताई भी नहीं है, लेकिन मैं वो बातें बोलता हूं। तो वो बातें कहां से आती हैं, वो बातें स्टोर्ड हैं सबकॉन्शियस माइंड में। सबकॉन्शियस माइंड में कहां से आई, जो डीएनए के थ्रू, जो मेरे साथ जो पैदा होने के साथ साथ जो डीएनए आया, जो पुराने जन्मों की जो स्टोरेज जो आगे चल रही है, जिसको पुनर्जन्म भी कहते हैं, जो डीएनए के थ्रू आता है, वो सबकॉन्शियस माइंड का पार्ट बन जाता है। अगर हम अपनी एक्सपर्टाइज इस चीज में डेवलप कर लें कि कॉन्शियस माइंड को जंप करके कैसे सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचा जा सकता है, तो दोस्तों फिर हम हिप्नोसिस के बारे में ज्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं और ज्यादा अच्छे तरीके से जान सकते हैं। तो अगर कॉन्शियस माइंड या सबकॉन्शियस माइंड के बारे में अगर आपके आपके मन में कोई क्वेश्चन आते हैं, या अगर आप और विस्तार से जानना चाहते हैं, तो अपने कमेंट्स मुझे दे दें, या मेरे से आप क्वेश्चन पूछ लें व्हाट्सएप के ऊपर या टेक्स्ट मैसेजेस में, मैं उसके बारे में फिर इन वीडियोस में मैं और बताना चाहूँगा या मैं और बता दूंगा। बट मेन एक चीज समझने वाली है कि हिप्नोसिस, चाहे वो सेल्फ हिप्नोसिस हो, चाहे आप खुद को हिप्नोटाइज करना चाहते हो, चाहे आप किसी को हिप्नोटाइज करना चाहते हो, उसमें चेतन मन और अचेतन मन का बहुत ही रोल है। अगर आप किसी को रिमोटली भी हिप्नोटाइज करना चाहते हैं, तो वो फिर आपको ये बातें समझनी होंगी कि चेतन मन क्या है, अचेतन मन क्या है। चेतन मन बताता है क्या सही है, क्या गलत है, मैं ये करूं ना करूं, मत कर। सबकॉन्शियस माइंड जो है वो एक्सपीरियंसेस के बेस के ऊपर काम करता है। तो कल हम इसके बारे में और बात करेंगे, कल हम बात करेंगे कि सजेशंस कैसे काम करती हैं, एक वर्ड होता है हिप्नोटिक कर्स, वो कैसे काम करता है।
अगर आपको किसी किसी से अपनी बात मनवानी है तो वो कैसे मनवाई जा सकती है। कोई क्वेश्चंस हो आपके या कमेंट्स हो वो मुझे बताइएगा, मैं इसके बारे में और बात करना चाहूंगा। हम धीरे 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 मेरे ख्याल से 5 या 6 एक हफ्ते के अंदर अंदर ये हिप्नोसिस के बारे में कंप्लीट एजुकेशन या कह लीजिए कि जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है मैं आपके साथ शेयर कर पाऊंगा। हम ये हिप्नोसिस का सफर जो है ये जारी रखेंगे। आप लोगों का अगर सहयोग मिलता रहा, कमेंट्स मिलता रहा, तो और भी सब्जेक्ट्स के ऊपर बात करेंगे। जो भी चीज मुझे आती है, जैसे हिप्नोसिस आती है, एस्ट्रोलॉजी आती है, पामिस्ट्री आती है, न्यूमरोलॉजी आती है, बिहेवियरल थेरेपीज आती हैं, या NLP आती है, न्यूरो लिंग्विस्टिक, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। आप लोगों की अगर पार्टिसिपेशन मिल सके तो ज्यादा अच्छा है। इसके अलावा अगर आप फेस टू फेस, मतलब ऑनलाइन, अगर आप मेरे साथ कैमरे पे बात करना चाहते हैं हिप्नोसिस के बारे में, अपने क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो मुझे जरूर बताइए, हम लोग मिलकर प्रोग्राम कर सकते हैं। आज के लिए थैंक यू वेरी मच। कल फिर हम ये हिप्नोसिस का सफर जारी रखेंगे। कल शाम 5 बजे तक के लिए शुक्रिया दोस्तों, आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। थैंक यू।